जर्नलिज्म नहीं है, एक वीडियो है, मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ कि खेत में भी जीवन जग सकते हैं, बेर खा के या फिर ऐसा लकोड़ी खा के या फिर ये जो चने हैं, चने देख सकते हो आप लोग, काफी अच्छे तरीके से लगाया गया है। आपका खेत का नाम क्या है बताइए लोगों को, लोग जानना चाहते हैं आपके खेत का नाम। इसको सवान बोलते, सवान सवान बेसिकली इसमें क्या क्या लगाया जाता है सवान में? लकड़ी, धान जो भी है, चना, किसके लिए, किसके लिए ये जीवन, किसके लिए है? आदमी के लिए, आदमी के लिए। जीने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। और आपने जैसे कि सुना है जीने के लिए खाना पड़ता है, तो खाने के लिए कुछ करना जरूरी है, तो मेहनत मेहनत करो, खेत में मेहनत करो ना। कल से आइए यहाँ पे, मतलब बेनिफिट बता वाला इसके थोड़े थोड़े लोगों को समझना चाहिए कि लोगों को ना सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद मिलता है। खेतों में मतलब क्या अच्छी फैसिलिटी मिलती है लोगों को जो खेती करना? नेचुरल हवा, एयर, एयर बहुत अच्छा फीलिंग होता है। हाँ, समझ सकता हूँ। हंसी खुशी से अच्छा आदमी रहता है। वो है शहर सिटी में रहना, बरोबर गर्मी नहीं, ठंडी नहीं। हाँ, समझ सकता हूँ मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन नहीं, इतनी तकलीफों को उठा रहा हूँ मैं, घुटन जैसा लगता है घुटन। हाँ वो तो है, सही बात। यहाँ नेचुरल नहीं, लेकिन एसी है तो ठीक है, आदान प्रदान करती है, एसी है तो हवा लगता है। अरे एसी लाइट रहेंगी तो एसी जलेंगी। हाँ वो भी है, यहाँ पे कैसा बिना लाइट का एसी है क्या? बिना लाइट का एसी है, यानी चल रहा है अभी, जो चल रहा है, नहीं दौड़ रहा है, दौड़ रहा है क्या? अच्छा है, सुन के अच्छा लगा आपका जो बात है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये इनका नाम है गुनेश्वर, ये काफी अच्छे लाइफ के बारे में समझाते हैं लोगों को, काफी अच्छे समझाते। इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, काफी अरसों से इनको फॉलो करते आया हूँ और अपना गुरु जैसा मानता हूँ, लेकिन गुरु बनने के लायक नहीं है ये आदमी। क्योंकि तू गुरु बना है, चेला बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हो बहुत सारी हरियाली है यहाँ, बहुत है। वो वाली हरियाली नहीं, वो वाला नहीं, गलत नहीं समझना। देख सकते हो आप लोग बहुत हरियाली। दूर दूर से आते हैं लोग, मैं भी तो काफी दूर से रायपुर से, रायपुर का एक्साइटमेंट काफी अच्छा है ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, वैसे देखते हो पीछे दर्शक बहुत पधार रहे हैं, पीछे दिखाओ उनको थोड़ा हमारे दर्शक। कौन सा जगह है ये? दो नदी का मिलन होता है यहाँ।
दो नदी का मिलन होता है, तीन नदी का संगम है ना, कौन सा नदी है ये? मतलब गंगा नदी ना, नहीं बाघ नदी है रे, बाघ नदी है, और कौन सा नदी है? गंगा नदी, सिंधु नदी, तीन नदियों का जो संगम है, देख सकते हो इधर नीचे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अपने इंटेलिजेंस जाहिर नहीं करना चाहता, अभी इसको भेंट देना, कुछ भी बातें मुस्कुरा के शेयर करता, काफ़ी अच्छा लड़का है। अभी अभी हमारे यहाँ नहीं रहता ये, अपना मतलब विदेश में रहता है, दुबई, दुबई नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने, सुने बहुत लोगों ने नाम सुने, वहीं पर रहता है ये। एक्चुअली इसको किसी ने गोद लिया है किसी ने इसको, खुशी 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 चले गया लड़का, क्योंकि अपने ज़िंदगी से परेशान हो गया था ना, बहुत से लोग हैं आप देख सकते हो पीछे। 14 तारीख मतलब 14 तारीख होता है भैया, और क्या चाहिए आपको, संक्रांति का दिन रहता है तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा वैसे, नहीं क्या? एक्चुअली भीड़ रहना था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 2 साल पहले जब यहाँ पे आया था ना, बहुत ही भीड़, तो काफ़ी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक मेरा हेलमेट नहीं निकला है, बहुत डरता हूँ मैं पुलिस वाले से या फिर ट्रैफिक वाले से, लाइफ से भी, लाइफ से बहुत डरता हूँ मैं। प्रोटेक्शन, फुली प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन बहुत अच्छा है, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए लाइफ में, क्यों? सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी, क्यों समझ सकते? इसलिए हेलमेट पहना करो, बिना हेलमेट के कुछ नहीं, मतलब गाड़ी चलाना सेफ नहीं है ना। पुलिस वाले डंडे, कुछ बताइए ना हमारे दर्शकों को अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इसके बारे में, यहाँ का जो हो रहा है शूट वगैरह हो रहा है जो मेला, बहुत काली माटी का से भर रहा कौन सा मेला है, मतलब ये काली माटी बोलते हैं, ये त्रिवेणी संगम मेला मेला है। अच्छा, त्रिवेणी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं तो आएंगे तो घर ही जाएंगे ना, कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैंने आत्मा विसर्जन जो भी विसर्जन रहता है ना, अस्थियों का, वो भी यहाँ किया जाता है, किया जाता है, मतलब अस्थि विसर्जन भी होता है, जो बोलते हैं ना मंडला जाते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं लोग। ये नंसरी घाट है, एक्चुअली हम लोग अभी नंसरी घाट में है, आप देख सकते हो पीछे बहुत लोग हैं, लेकिन वहाँ पे जाना अभी मना है, शूट चालू है पीछे। कौन सी पिक्चर बन रहा है इधर? जय हनुमान का कोई मराठी पिक्चर बन रहा है? बन रहा है क्या? क्या लगता है, क्या लगता है आपको, बन सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। मंदिर के बारे में आप कहना क्या चाहते हो, ये तो बताइए मंदिर के बारे में अपनी राय बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बोर बोर फील हो रहा है, बोर फील हो रहा है एकदम, अभी तो बोर खा के आया। देख मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी दुआ कबूल की जाए। यहाँ पे अप्रिय घटना न हो, बहुत अच्छा अमेजिंग, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा लग रहा है एक्सप्लोर करने में, मजा आता है। नहीं नहीं, ये मेरा थर्ड टाइम है वैसे, अभी लाइफ में नहीं, थर्ड टाइम करता हूँ कि वे ऐसी अप्रिय वारदातें को टाले। भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, कोई गलत काम या गलत कार्य करते हैं, दिन बनता ना मिला, कल भी भरेगा, आज 14 तारीख है, 2019 का जो पहला फेस्टिवल होता है वो आज का ही है, क्या मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, अच्छा लगा वैसे आज का जो मौसम, अच्छा आप पे दुकानें भी लगती थी, काफी अच्छी दुकानें, अगर से सब्जी खरीदना है तो खरीद सकते हो, सब्जी खरीदने बहुत दूर दूर से आती है। बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ, फॉरेन में रहता तो बीच बन जाता, क्योंकि जो इसका नजारा बहुत अच्छा, इतना अच्छा ना बैकग्राउंड नजारा, इसका जो तीन नदी का संगम मेरे को लगता नहीं कहाँ पे, अच्छा वो रहा गया, देख सकते हो उधर एक गया, इधर से एक आया और एक इधर से आया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये तीन नदी का संगम है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ओह मैन, यू ओन माय हार्ट, मेरे को अच्छा लगा आपसे, काफी अच्छा लगा आपका जो आपके जो बोलने का तरीका है, मेरे दिल को मतलब लुभा गया, आवर ला आप ले। और हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं प्रिय मित्रों? नहीं बोलता मैं कुछ, नहीं कुछ बोलिए आप, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। नदी के बारे में बोल रहा था, अगर कुछ नदी, हाँ कलयुग में नहीं सतयुग में हो सकता है, तो अगर से ये पानी बर्फ बन जाए कुछ
कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, सीधा ना हो और कोई अच्छा एंजॉय करे। सही बात है, पर्यटन को पर्यटन मतलब लाभदायक हो है ना, लोग यहाँ एंजॉय उठा, यहाँ का मौसम का मतलब मजे उठा, मजा उठाए। क्यों ऐसा होना चाहिए, उम्मीद है मेरी। हाँ इसको संगम से। सही बात है, यहाँ के जो परिस्थिति, यहाँ का जो माहौल देख के मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक मतलब अच्छा पर्यटक स्थल बना सकते आगे 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 फ्यूचर के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छा है फ्यूचर में। मतलब क्योंकि मैं अभी अच्छा मतलब आना तो अच्छा लगा, लेकिन जो यहाँ के लोग है काफी अच्छे लोग है यहाँ के, हमारे कलेक्टर साहब ये आप हमारे देख सकते हो, हेलमेट को कभी नहीं छोड़ते हाथ से, इसको कुछ भी हो जाए इनकी ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए हेलमेट को पता है ना आपको, हेलमेट को क्या करना चाहिए, सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी है क्या नहीं, इसको फॉलो करो यार। सोचा बहुत देर से भूख लगी लेकिन खाया नहीं कुछ। हाँ बैठो तू भी कवर होना चाहिए, बहुत देर से घूम रहे थे, अभी जाके फाइनली खाने का कुछ बंदोबस्त हुआ है। भाई तेरे तरफ से ना था पार्टी टू है ना, भाई का बर्थडे आज, विश करो इसको। बताया नहीं जब इसे, बताया नहीं तूने, 2 जनवरी को था। अच्छा तो आज दे रहा ना तू पार्टी। ये रहा हमारा खाने का शेड्यूल, मैं एक्चुअली भजिए खाता नहीं हूँ इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। भाई समोसे खा लिए हमने पहले ही खा लिए, बैठ रहे ना लोग, बैठ रहे थे आप लोग, नहीं बैठना है मुझे, बैठना है, अरे मेरी ड्रीम है उसको, भाई इसको पूरी करो, साथ में बैठोगे या भी बैठो। जो आपको बता नहीं सकता मैं, क्यों अच्छा लगा ना, कैसा था मेला, मेला बहुत अच्छा था एकदम, अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी घूम ही रहे, आप देख सकते हो ये, आप देख सकते हो हम लोग अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अंडे भी है, देखना देख सकते हो अबे तो खाने के बाद। आई नो कुछ तो लोग कहेंगे, अरे नहीं कुछ तो व्लॉग कहेंगे, आई नो बहुत से लोग हैं जो अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालते हैं, लेकिन कहते ना कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा होता है, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, पहला वीडियो था। If you enjoyed this video, then do subscribe.